ब्राइड्स टू बी ब्रॉट बैक ऑन स्टेज वन आफ्टर द अदर। तो एक एक करके जैसे जैसे मैं नाम लूंगा, जिन स्टूडेंट्स ने ब्राइड लुक को तैयार किया है उनसे गुजारिश है कि दे कैन कम ऑन स्टेज विद देयर रिस्पेक्टिव लुक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन एंड दिस वन। बट बिफोर दैट okay, we're going to go into the reverse order again, once again this time, because all the bride looks, everybody is standing in a sequence. So we're going to start with number 14 first, and this one is Love is in the Air. I will request Rupam to please come on stage. Oh wow! Absolutely wonderful. So what's the thought process behind this one? So this is like love is in the air and every relationship is incomplete without love. और ये marriage है तो love का होना बहुत जरूरी है. और my inspiration was from Taj Mahal because Taj Mahal is a symbol of love. Everyone knows this कि Taj Mahal की story तो है सबको पता है. This is my inspiration from Taj Mahal. And I can see the Taj Mahal in the girl's hand also, absolutely. So wonderful, that's absolutely incredible. Thank you so much. Thank you. That was Love in the Air with Rupam. Iske baad, I'm going to request Khwab ki Tabi, Arushi and Pooja to please come on stage. I think the girls are having a problem coming up. There we go. I request Arushi and Pooja to please come on stage. You pick me up and light me on what fire I'm staying. You make me rise and call me up. बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। तो आपका thought process कहाँ से है? अच्छा, वो बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे? जी, आप ही बोलेंगे। I wanted to represent our Indian culture in the modern way. No, I think it's done very well and बहुत ही खूबसूरत है और जो और ये सब कुछ आपने बनाया है या you pick it up or what have you done? Have you put everything together? Yes. You put each and everything जो जो भी काम दिख रहा है ये सब आप ही ने किया? Collaboration करना designers के साथ जो है। Okay. Very well done, very nicely done. आप कुछ कहना चाह रही थी? मैंने अपनी तबियत की कहते हुए कॉपी में सोचा था कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं बहुत नर्वस थी, लेकिन बट जब मैंने स्टार अकेडमी ज्वाइन किया बट आई एम सेटिस्फाइड कि मैं कर सकती हूँ। सीखने की कोई उम्र होती नहीं है, जो मन में आए जिस उम्र में आए करना चाहिए, है कि नहीं? आपको आइडिया नहीं है, आप पीटर जी से बात करेंगे, जस्ट हैव अ लिटिल कॉन्वर्सेशन विद हर, आपके जिंदगी का जो नजरिया है वो आप 10 मिनट में बदल देंगे। Please have a conversation with her and see the difference in your personality once you speak to her after the show. Okay? A round of applause for this amazing creativity that has been put together. Thank you so much. Chaliye, iske baad. We have Rajwana, the Royal Fairy of Rajasthan, South Extension, who will request Neha and Pratima to please come on stage. जी बोलिए, बहुत खूबसूरत लग रही है जी। और हाँ जी, तो कुछ कहना चाहेंगी? तो ये जो आपने बनाया है इसके पीछे आपका थॉट प्रोसेस, आपकी क्रिएटिविटी कहाँ से आई? भगवत से लिया है कि उसने जो अपनी लाइफ सैक्रिफाइस की अपनी कंट्री के लिए, उसके लिए। वंडरफुल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
सीन पद्मावत मूवी से इंस्पायर्ड होके जो उसने दीपिका पादुकोण ने जो सेक्रीफाइसेस किए थे बेसिकली उससे इंस्पिरेशन से। तो यहाँ रणवीर सिंह भी तो होना चाहिए कहीं, दीपिका पादुकोण आ गई, दीपिका पादुकोण ने क्या किया है देश के लिए, मुझे सिर्फ फिल्मों में काम किया है, कैरेक्टर मूवी में ये बात मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आई, आज आपने मुझे समझा दी तो पूरी समझ में आ गई, थैंक यू सो मच, जोरदार तालियां फॉर रणवीर सिंह फॉर पद्मावत, थैंक यू जोरदार तालियां। ओके इसके बाद क्वीन ऑफ पैराडाइज विल रिक्वेस्ट शिल्पा एंड अश्विन, अश्विन टू कम ऑन स्टेज, क्वीन ऑफ पैराडाइज इज द लुक, शिल्पा एंड अश्विन। जी आप दोनों में से कौन बोलेगा, दोनों बोलेंगे तो जो आप शुरू कर दिए, बताइए क्या क्या सोच के बनाया आपने, ये आप अपने आप से बोल रही है या लोगों से बोल रही है, किससे बोल रही है, किसी को कुछ सुनाई दिया ना, कुछ सुनाई दिया नहीं दिया, कैसे कोशिश की, कैसे क्या मुंह से बोल रही है, एक कदम आगे आगे पहले वो ऐसे करके मेरे पीछे जाके छुप रही है कि मैं नजर ना आऊं, कोई मुझे देखे ना, मेरी आवाज सामने आई है यहाँ पे, अब बोलिए आवाज बुलंद कीजिए, फुसफुसाइए नहीं, नहीं रही हूँ सर, मेरी वॉल्यूम इतनी है, मैं क्या करूँ, अच्छा बोली तो सही, जो क्वीन है पैराडाइज क्वीन है, इसको हमने जो प्रेजेंट किया है वो अपने तरीके से किया है, सब कुछ हेल्थ केयर से लेकर ड्रेस तक हमने खुद डिजाइन किया है। ओके मैं तो ओके यहाँ कुछ नहीं हो सकता जी, आप क्या कहते चल पैराडाइज किया, मैंने कहा बोले बाजू वाले का दिमाग लगाया, एवरीबडी सेज हमने अपना दिमाग लगाया है, अरे हर कोई अपना ही दिमाग लगाता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वहां पर दुनिया भर की चीजें हो सकती है, बट थॉट प्रोसेस बढ़िया है, अच्छा है, और आप थोड़ा ऊंचा बोलेंगे अगली बार तो बढ़िया हो, ठीक है, जोरदार तालियां फॉर next one, this is the English Bride and I'm going to ask Sophia and Shashi to please come on stage, the English Bride. You know, I always wonder ki ye jo gowns hote hain wo itne lambe peeche se chalte hue kyun aate hain, what is the reason, this is a serious question, I always wanted to know this, so what is the reason behind it? चलिए जो आपने बनाया उसके बारे में बोलिए, अच्छा वो बताएंगे आप नहीं बताएंगे, चलिए ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आपको सांप ने काट लिया, आपको नहीं उनको, 10 नंबर जस्ट अ जोक, एनीवे जी क्या अच्छा आपके फ्रेंड की स्टोरी है, तो जब आपकी शादी हुई थी हाथ में ऐसे ये लेके आप, नहीं नहीं ऐसा नहीं, शी इज फ्रॉम नेपाल एंड हर हस्बैंड इज फ्रॉम इंडिया, सो हमारा वही थीम था कि बाउंड्रीज कांट स्टॉप फाइंडिंग ट्रू लव, ओके अब बाउंड्रीज दिखानी तो ऑब्वियसली हमारी ब्राइड फॉरेनर होनी चाहिए थी, दैट्स सो वी हैव अ फॉरेनर ब्राइड, सो यू फ्रॉम नेपाल, काठमांडू, ओके वंडरफुल ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत वहां पे वो सट्टा वट्टा बहुत होता है, इट्स जस्ट जो वेरी वेल पुट टुगेदर, और ये जो पी रहे हैं बाकी पीले लाल के बस ऐसी डाल के छोड़ दिया, ओके वंडरफुल,
एटलीस्ट मुझे ये मालूम है दो मॉडल्स को कुछ पीने को मिला है तो एनीवे थैंक यू सो मच जी थैंक यू नंबर ओके जजेस के साथ साथ वी गोना हैव एन ऑनलाइन पोल तो आप सब लोगों से भी पूछा जाएगा ऑनलाइन आई थिंक आप लोग सब वोट कर रहे हैं ओके चलिए आप लोगों से पूछा जाएगा कि आपको कौन पसंद है सो देन प्लीज बी रेडी सो नाउ वी गो ऑन टू द फ्यूचर ब्राइड दिस इज फ्रॉम पीतमपुरा मोनिका वी रिक्वेस्ट मोनिका टू प्लीज कम ऑन स्टेज विद द फ्यूचर ब्राइड देयर वी आर There we are. Monica, I love the smile and everything that you have. So please tell me how you put this together. Sir, actually, इसलिए मैंने सोचा future bride देने का क्योंकि आजकल की modern जो brides चल रही हैं कि पहले होता था like जूड़ा बनाना ये करना heavy jewelry लेना तो मैंने इसका ये सोचा कि future में थोड़ा सा मतलब jewelry भी कम हो खुले hair मतलब brides को इतनी problem ना हो that's why मैंने future bride name दिया इसे तो सीधा बीच में जाके शादी करनी चाहिए अगर ये पॉसिबल हुआ तो ये भी होगा पॉसिबल हुआ क्या आजकल तो लोग बीच में जाके ज्यादा शादी करते हैं खर्चा ही बचत अगर मेरा पॉसिबल डेफिनेटली आप तो डेफिनेटली लड़का मिल गया आपको अभी आपने बोल दिया तो डेफिनेटली गोवा से तो मिलेगा ही राइट ओके बट आई लव द कलर कॉम्बिनेशन एंड एवरीथिंग पुट टुगेदर नाइस वर्क जोरदार तालियां फॉर द फ्यूचर ब्राइड The next one is the majestic bride, ladies and gentlemen, and I'm going to call Sonu to please come on stage with the majestic bride, Sonu. Wow. I can imagine the amount of weight that this thing has. जी सोनू जी क्या कहना चाहेंगी अपने कारीगरी और अपनी क्रिएटिविटी के बारे में ब्राइड है और मेरा ड्रीम था कि मैं रजवाड़ा ब्राइड्स करूं हाँ तो आपने बहुत अच्छा बनाया बढ़िया बनाया लेकिन आपकी जो सोच है रंग कहाँ से उठाया आपने चुनरी जो है जो बाकी सारी चीजें हैं कहीं से आपने देख के बनाया या खुद अपने मन से कुछ अपने मन से करा है और कुछ हमारे टीचर्स उन्होंने गाइड किया है ओके ओके वंडरफुल बट बहुत अच्छा बहुत खूबसूरत है थैंक यू सो मच बहुत खूबसूरत लगा थैंक यू दैट्स अ मैजेस्टिक ब्राइड सोनू इसके बाद जी वंडरफुल इसके बाद लाइफ गोज ऑन दैट मींस वी टॉकिंग अबाउट री मैरिज आई थिंक बहुत ही अहम सब्जेक्ट है मीना इन शिफाली विद लाइफ गोज ऑन री मैरिज You make me rise and call me up all the fires me. जी सबसे पहले मैं दाद देना चाहूंगा जो थॉट आपने उठाया है कि लाइफ आप टू री मैरिज एंड मैरिज के बारे में मतलब एक बार फिर मैरिज करना हमारे देश में और आज भी इट्स नॉट इजी तो उस बात के लिए आई थिंक जोरदार तालियां इनके लिए फॉर पुटिंग सच एन आइडिया टुगेदर तो ये थॉट प्रोसेस कहां से आया शीज योर डॉटर आई एम सिंगल मदर ओके वंडरफुल ओके आपको क्या नाम है प्रिया प्रिया या पिया प्रिया प्रिया ओके हाउ ओल्ड आर यू प्रिया 10 इयर्स 10 इयर्स ओल्ड वंडरफुल यू लुकिंग वेरी नाइस जी आप कुछ कहना चाह रही हैं तो इस चीज को इजी नहीं है बट ये चीज मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं करनी चाहिए मतलब लाइक हम कर सकते हैं और करना भी चाहिए क्योंकि सेकंड चांस मिलना बहुत ज्यादा स्पेशल है I think this is something that has to be put forward, that everybody needs to be given a second chance. It doesn't matter where you come from. But bahut khoob, ji. Ji, ji, boli. Can I get your name, please, the designer? Shefali.
शिफाली एज अमन सेड सेकंड मैरिज को बहुत टफ माना जाता है. जनरली जब पहली मैरिज होती है सो इट्स ऑन अ वेरी बिगर लेवल, व्हाट वी कॉल एज अ टिपिकल बिग फैट इंडियन वेडिंग. सेकंड मैरिजेस जब होती है उसको बहुत सटल वे में कर दिया जाता है, कहीं ना कहीं उसको प्रेस्टीज इशू बनाया जाता है. द आइडिया ऑफ योर्स कि सेकंड मैरिज में भी उतनी ग्रेसफुल लग सकती है ब्राइड, आई रियली लाइक दैट. इट इज वेरी नाइस टू बी दैट ग्रेसफुल एंड आई रियली लाइक द आइडिया दैट डॉटर इज सपोर्टिंग हर मदर. इट इज वेरी ओपन, आई रियली लाइक दैट, रियली अप्रिशिएट यू टू, वेरी नाइस. आई थिंक वी हैड अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज जो हमारी इंडस्ट्री में रहे हैं जिनके अभी मैं वेयर द किड्स हैव बीन विद देम शादी के समय. आई थिंक द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट इनक्रेडिबल एग्जाम्पल हैज बीन ऑफ कमल हसन. जहां तक मुझे याद है तो कमल हसन साहब की जब शादी हुई थी तो उनकी दोनों बच्चियां जो थी वो शादी के मंडप पे उनके साथ बैठी हुई थी. बट एनीवे दैट वाज अबाउट 25-30 इयर्स बैक. तो आज भी आज के दौर में भी इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट आपकी हिम्मत की दाद देता हूं एंड यू आर डूइंग समथिंग इनक्रेडिबल. जोरदार तालियां फॉर, थैंक यू सो मच. ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. द बंगाली ब्राइड वुड रिक्वेस्ट साक्षी एंड साक्षी, दोनों साक्षी. हाँ, साक्षी तिवारी एंड साक्षी. नहीं तो आपका भी तो सरनेम होगा, है या नहीं है तो बोलिए ना. साक्षी एकोली, साक्षी कोली, साक्षी कोली. अरे तो इसमें क्या है, बढ़िया. तो क्या आपको आइडिया नहीं है महाराष्ट्र में क्या क्या नाम है लोगों के, मतलब ऐसे कमाल कमाल के नाम है कि हंस हंस के आप पागल हो जाएंगे. मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि इतने कमाल के नाम है दैट यू विल डाई लाफिंग. बट एनीवे द बंगाली ब्राइड क्या था माने अच्छी कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ी सी कहीं पर बंगाली मार दू. हेलो, हाँ ओ जी, चलिए बोलिए. व्हाट इज द इंस्पिरेशन, कहाँ से थॉट प्रोसेस आया है या कहाँ से ये सब कुछ आप लेके आए? जो बंगाली होते हैं वो प्योर हार्टेड और लविंग होते हैं. आप पंजाबी तो सब कभी ना होते. दिल्ली में आके आप ये बोल रही हैं कि बंगाली प्योर हार्टेड होते हैं. जितने पंजाबी बाहर निकले हैं कमाल है. अरे बोलिए, बंगाली आपको पसंद है? ये बात है ना, तो मतलब किसी बंगाली के साथ अमित तुम्हारे भले भाषण कुछ ऐसा. 16 साल से क्या होता है, 16 साल में तो पता नहीं क्या क्या हो चुका होगा. एनीवे आपने व्हाटएवर, आई लव द कलर कॉम्बिनेशन है एवरीथिंग एंड बहुत बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है. आप इसी तरह से आंखें यू करेंगे गड़बड़ हो जाएगी. नहीं नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग, जस्ट जोकिंग. Wonderful, you're looking absolutely beautiful. Zorda Talia for the Bengali Bride, please. Thank you. And now the next one, ladies and gentlemen, is Turkelin. Turkelin, I hope I pronounced the name correctly. Would request Tisha to please come on stage with Turkelin. Classy, when a woman has everything to flaunt, but chooses not to flaunt it. Tisha, so what is the whole, how old are you, Tisha? 18 years old. And you've put this together. So what's the, देखिए आजकल की 18 साल की लड़कियां जैसे कपड़े थोड़े कम होते हैं, छोटे होते हैं, तो ये उल्टी धारा कैसे, कहाँ से? ये एक्चुअली मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट हो गया. मेरे को थोड़ा यूनिक करना था. थोड़ा मतलब टर्किश ब्राइड देनी थी तो टर्किश ब्राइड थोड़ा नॉर्मल लगता है बोलने में, तो दैट्स व्हाई आई गिवन द नेम टर्क गेलिन. मुझे लग रहा सीधा अफगानिस्तान से है. No, but anyway, whatever you put together, why is it Turkelin? What's the whole point of, does Turkelin have a meaning according to you? It's a Turkish bride. It's a Turkish, it's called Turkelin. Yes. Oh, that's the name of it. Okay, wonderful. Nadia ka name, mujhe malum nahi tha. Yes, yes, yes. Ji, do you want to describe what you put together? जो है मोती का मैंने सोचा था कि मैं गाउन जो है, बट मैंने थोड़ा और डिफरेंट सोचा कि थोड़ा एम्ब्रॉयडरी वर्क होना चाहिए उसके अंदर, तो दैट्स व्हाई आई गिवन द एम्ब्रॉयडरी वर्क एंड पुट द हिजाब ऑन इट. एंड सबसे पहले जो लोग यूज करते शिफॉन का कपड़ा, आई हैव यूज्ड दिस सैटिन का कपड़ा. व्हाट इज द प्रॉब्लम? एनीवे,
So you put everything together and it's wonderfully and greatly impressively done. Okay, thank you. Zordar taliyan for Joe Kelly. There we are. Okay, ladies and gentlemen, we are down to the last four in this category and then we come to an end. This is the Maharashtrian bride. Would request Pragya to please come forward with the Maharashtrian bride with sandals and heels. See. But honestly speaking, I don't think so. Marathiyon mein is tarah ka hota hai, thoda bahut hota hai. Haan, dekha hai aapne? Nahi, because this is very North Indian Punjabi Muslim style hai. But anyway, नहीं रितेश देशमुख की पिक देखी होगी लेकिन उन्होंने पंजाबी सूट पहना, वो पॉइंट ये होगा है ना जी. एनीवे सो कहां से थॉट प्रोसेस आपका आया है प्रज्ञा जी? और जी मुझे इंडियन ब्राइड ही देखना था, तो हमारी फैकल्टी ने हमें सपोर्ट किया कि आप महाराष्ट्र ब्राइड कर लो, तो फिर उन्होंने इसको सर्च किया, सर्च किया. जी जी, अभी बाकी जो माथे पे और सारी चीजें वो आपने बिल्कुल सही बनाया है, बट बहुत खूबसूरत है और बहुत बढ़िया है. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू, थैंक यू. दैट्स महाराष्ट्र ब्राइड, लेडीज एंड जेंटलमैन. नाउ वी गो ऑन टू द नेक्स्ट वन. दिस इज कॉल्ड द डिवाइन प्रिंसेस लुक एंड आई विल रिक्वेस्ट आयुषी टू प्लीज कम ऑन स्टेज विद द डिवाइन प्रिंसेस लुक. अभी पूरा खत्म नहीं हुआ. थैंक यू जी. ओके आयुषी, क्या कहना चाहेंगे? Looking, this is a divine Christian look because I selected this. This is a simple and elegant like makeup, simple makeup, and this is the like open prayers that bride and groom is like wow. So that's why I chose this. And thanks Star Academy, and special thanks for Charanjeet ma'am, Ashmi ma'am, Sahil sir, Seema ma'am. They are really helpful. Really. So, thank you, sir. Sir, thank you so much. वैसे सारे स्टूडेंट्स को बता दिया जाए, किसी भी टीचर्स का नाम लिया जाएगा तो मार्क्स गिने नहीं जाएंगे. ये बात मैं बताना भूल गया था. बट एनीवे आपने बहुत अच्छा कमाल का किया है एंड शी रियली लुक्स वेरी वेरी प्रिटी एंड ब्यूटीफुल. थैंक यू, थैंक यू सो मच. दैट्स द डिवाइन प्रिंसेस लव. चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं. अगला जो हमारा हमारी जो ब्राइड है दैट इज द निका ब्राइड, would request Manisha Neeru to please come on stage with the Nikah Bride. Naam, acha Manisha Neeru to alag naam. Mujhe laga Manisha Neeru ek hi naam. Ji ji, end nahi laga. Ji, to kya kehna chahengi apni is creativity ke bare mein? Mujhe founder bahut pasand hai aur sabse zyada mohabbat जब करी है तो निकाह तक होनी चाहिए. मोहब्बत जब करी है तो निकाह होना चाहिए. जी हमारी टैगलाइन भी यही थी, दुआ है हर मोहब्बत की मंजिल निकाह हो. दुआ है कि हर मंजिल, हर मोहब्बत की मंजिल निकाह हो. क्या बात, मुबारकबाद दोनों को. इनकी मोहब्बत की वजह से आपकी तो दोनों की निकल पड़ी. जी कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड आप दोनों बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत बढ़िया. I love the whole color combination and it looks very very classy, honestly. Very nice. Thank you. Thank you, sir. Ji, you want to say something? Meri dadi hamesha kehti hai, in fact aaj bhi kehti hai ki garam tawe pe roti thi jo hum chhod ke aaye the wahan se. Matlab jab wo partition ka time aaya tha, matlab she is still connected to that Pakistan. Agar wo partition na hua hota to maybe hum wahan hote, वो वहां होती, तो बस उस चीज को रिमेम्बर करते हुए मैंने पाकिस्तानी थीम चूज की थी. आई थिंक ये जो बात इन्होंने कही है, हम इससे ये जताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जो रहने वाले हिंदुस्तानी लोग जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं वो आज भी हमें महसूस करें इस थीम से. अभी इसी थीम पे एक छोटा सा शेर मुझे फिर याद आ गया है, थोड़ा सा गहरा है, थोड़ा भारी है, कि नफरत का आलम तो देखो दोस्तों, नफरत का आलम तो देखो दोस्तों, आज जानवरों का भी डिफरेंस हो गया है. नफरत का आलम तो देखो दोस्तों, कि आज जानवरों का एक तरह से अलग अलग हिस्सा हो गया, गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया.
बहुत सिंपल सी बात है ना। बात को मैं गहराई से नहीं कहना चाह रहा था कि बट आज का दौर ही कुछ ऐसा है कि बहुत कुछ इस समय देश में हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। बहुत कुछ आई डोंट वांट टू बी ऑन दिस स्टेज टू कमेंट ऑन एनीथिंग बट दिस इज द टाइम व्हेन ऑल ऑफ अस हैव टू स्टैंड टुगेदर। जिस दैट्स द वे इट इज। एनीवे बहुत बहुत ही कमाल। थैंक यू सो मच। The last one, the room, Punjabi D, that is the bridal look, and Pritika and Afia. There we go. Wonderful. So, a brilliant look all over, Ubers leke, each other. So, I think you can comment on whatever you want to, you can start from the top to the bottom. क्या कहना चाहेंगे अपने लुक के बारे में? करना चाहती थी पंजाब कल्चर को, उसकी अवेयरनेस बढ़ाना चाहती थी, मतलब अपने कल्चर के बारे में बताना चाहती थी लोगों को, पंजाबी कल्चर दिखाना चाहती थी। एंड मेरी पार्टनर पंजाब से नहीं है, उन्होंने भी बहुत अच्छा सपोर्ट करा है। वो नहीं है? नहीं, उन्होंने पूरा शीर मुस्लिम बट शी सपोर्टेड मी एंड सपोर्टेड मी। आश्मी मैम, मीना मैम, रेति मैम, जगप्रीत मैम, कर्ण सर, जसी मैम, एवरी वन हू हेल्प मी, थैंक यू सो मच। इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। लाइक मेरा शुरू से ड्रीम था मेकअप आर्टिस्ट बनने का, आप लोगों ने पूरा करा, तो थैंक यू सो मच। समझाएंगे, आपने जिसे इम्पोर्ट किया था, आप भी कुछ बोले। इधर आइए, क्या नाम है आपका? आफिया परवी। आफिया परवी, तो आफिया जी, आप दोनों ने मिलकर ये पूरा क्रिएट किया है, सो इसके पीछे थॉट प्रोसेस, मतलब From the top to the bottom, कुछ कहना चाहेंगे? मेरे इर्द गिर्द हर सब लोग पंजाबी हैं, मुझे बहुत पसंद है इसकी आज भी लाइन है, नीना मैम है, बाकी सारे मैम हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो काफी एनर्जेटिक भी होते हैं। पंजाबी जो होते हैं, हाँ, मतलब तो इसलिए उनसे इंस्पायर्ड होते हैं। मतलब पंजाबियों से इंस्पायर्ड जी, वैसे मैं भी हाफ पंजाबी। अच्छा जी, एनीवे वेरी वेल पुट टुगेदर एंड आई थिंक दे बोथ लुक इनक्रेडिबल एंड मेड फॉर ईच अदर। एब्सोल्युटली जोरदार तालियां फॉर दिस अमेजिंग लुक। थैंक यू। So I think we've come towards the end of the creativity and the wedlock round, so as to say. That's how I would put it. I think the judges are putting the marks, they're tabulating the marks together. So we are soon going to find out as to who the first, second and the third position in both the categories people are. So I think we stand right now. My legs are literally painting due to this, of course. Oh, due to this, okay. तो आप चाहें तो एक पैर ऊपर कर सकती हैं और एक को आराम कर सकती हैं। हाँ, एक एक करके ऊपर नीचे। आई थिंक इसी तरह का हम जवाब दे सकते हैं जी। दिस इज वेरी नाइस, ब्यूटिफुल, एब्सोल्युटली। वो तो बंगाली, मतलब वहां मैं जाता हूँ अपने आप को इमोशन कुछ और ही हो जाता है। इतना नहीं जाता। इनका नाम अभी फेमस कर रहे हैं, आज से हमको छह नंबर ही बुलाएंगे। गुन्नू, ये आपका नाम है? बचपन में मेरी मम्मी मुझे मुन्नू बुलाती थी। अगर आप गुन्नू हैं तो मैं मुन्नू हूं। अच्छा, गुन्नू क्या करती हैं? ओके, और जॉब किस तरह का करती हैं? मेडिकल, मतलब तुम सारे इंजेक्शन लेने आप ही के पास आते होंगे? नहीं, मेरा तो वहाँ डाटा बेस है। आपका डाटा बेस है, तो डाटा में जो बेस है वो किस चीज का है? मतलब मुझे डॉक्टर्स और क्लाइंट्स वगैरह की एंट्रीज करनी होती है। अच्छा, ओके।
डॉक्टर्स ऑफ साइंस की एंट्रीज करनी होती है, तो मतलब हार्ट अटैक तो वैसे हो जाता होगा लोगों का। नहीं, बट बहुत आपका क्या होता है? तो एक सिंपल सा इंजेक्शन कितने का लगता है? अच्छा, ये जो कोविड का आजकल इंजेक्शन लग रहा है वो कितने का लगता है? प्राइवेट हॉस्पिटल में 800 और गवर्नमेंट जॉब में फ्री होता है क्या? आप पहले आपने लगवा लिया है फ्री में, मुझे बताया नहीं, मुझे पैसे देने पड़े। अब देखिए सच में बोलना नहीं चाहूंगा, अब आप पूछ रही है तो नहीं लगा है। Absolutely done. Okay. Before I get out of hand, can I have the marks, please? Because this is going to continue completely. Okay. I will request all of them. I can have a wonderful conversation. सबसे बेहतरीन जो यहाँ पे ब्राइडल लुक है वो कौन सा है? एक एक करके मैं नंबर बोलूंगा, आपको चिल्लाना है, जिसके लिए आप सबसे ज्यादा चिल्लाएंगे मतलब कि वो जीत गया। Let's start. नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव, नंबर सिक्स, यहां तो मतलब सब ये बन गए, अभी तो आके भाग भाषी, नंबर सेवन, नंबर एट, नंबर नाइन, नंबर टेन, नंबर इलेवन, नंबर इलेवन, या ओके, नंबर ट्वेल्व, नंबर थर्टीन, एंड फाइनली नंबर फोर्टीन। ओके, सो द कॉम्पिटिशन इज बिटवीन नंबर वन एंड नंबर फोर्टीन, सो आप दोनों अगर बाहर आ जाओ। सो दिस इज, आप देखते हैं कि एक जीता या नंबर 14 जीता। ओके, लेट्स स्टार्ट वंस अगेन। सबसे पहले नंबर वन, नंबर 14। वेल, आई थिंक डेसिबल के हिसाब से नंबर 14 जो है मेरे हिसाब से, थोड़ा एक बार फिर कोशिश करते हैं। ओके, वंस मोर, नंबर वन, नंबर 14। ओके, थैंक यू, आप दोनों वहां जा सकते हैं। सो जो हमारे व्यूअर्स चॉइस हैं, आगे आ जाइए, नंबर 14, जोरदार तालियां। इसी बात पे आप दोनों पति पति हुए, थैंक यू सो मच। चलिए आगे पीछे खड़े हो जाइए, आपका निकाह पूरा हुआ। ओके, बिफोर आई स्टार्ट गोइंग बैक and start speaking to number 6 again, please give me the marks. Yes, Gunnu, I can't even get over this. All my life I'm going to, you know, whenever I'm going to have this show, mujhe yaad rahega main kisi Gunnu se mila, jise maine bataya tha ki main Munnu hu. She's going to remember me all her life now. जी, I think I should speak to somebody else before I speak to जी। ओके, बाहर आइए, आइए बाहर आइए एकदम जी। नहीं नहीं, वेरी नाइस। सो आपका क्या नाम है? याशिका है। याशिका, आप क्या दिल्ली से हैं? कहाँ से हैं? वेस्ट दिल्ली, मतलब दिल्ली में ही है ना वेस्ट दिल्ली? वो इसलिए मुझे, क्योंकि वेस्ट दिल्ली कहीं बाहर है। ओके, तो रहने वाली कहाँ की है? रहने वाली नारायण की है, रहती वेस्ट दिल्ली में। हाँ, मुझे पता नहीं, मैं दिल्ली का नहीं जी, बट ओरिजिनली पेरेंट्स कहाँ से हैं? वो भी दिल्ली से हैं। और उससे पहले ग्रैंड पेरेंट्स? वो भी उससे पहले, उससे पहले पता नहीं जी। करती क्या है? थर्ड ईयर कॉलेज, प्रीतमपुरा। ओके, वंडरफुल जी, आइए।
Okay? So, please, let's have a conversation with you. And then we'll go for the gentleman over there. Ji, aapka kya naam hai? Gauri. Gaurvi. Gaurvi. Okay, I thought it was Gauri. Okay, Gaurvi. So, aap Gaurvi kya karti? I'm also a makeup artist and right now I'm working with a shipping company also. A shipping company? So, wahan shipping company mein sabka makeup aap hi karti? I was just so good. So, what about college and education? All in Delhi? I'm a graduate and I'm from Delhi. From Delhi. Born and brought up here. Wonderful. Please. Ah, bale bale. Aja. Ji, kya naam hai aapka? Akshay. Akshay. Oh, Allah to be. Akshay. I love it. Okay. Akshay. कहाँ से हो? दिल्ली से हो? पंजाब से? किधर से? सर मैं दिल्ली से हूँ. ओके, तो फेवरेट एक्टर कौन सा है? फिलहाल अमिताभ बच्चन. अमिताभ बच्चन एंड रितिक. तो बच्चन साहब की कोई फिल्म का डायलॉग याद है? रणबीर का. पसंद अमिताभ बच्चन और रितिक है. रणबीर भी है. तो एनी वन बोलो. तो रितिक का बोलो. बोलो. चलिए रणबीर का. वो मूवी देखी होगी, क्या कहते हैं, ये जवानी है दीवार. तो उसमें रणबीर जब दीपिका कोर्टेस तेरी स्माइल कितनी डेंजरस है पता तुझे, मेरे पास दिल होता ना तो पक्का तेरी स्माइल पा जाता. ओके, नाउ This is where you are mimicry कर रहे हैं रणबीर की. I would want you to say the same lines the way you would say it. आपकी originality. Because that is where you're going to make a name for yourself. Not by mimicking anyone. अगर आपको Johnny Lever बनना है या बाकी mimicry artist बनना है वो बात दूसरी है. But if you want originality, it has to come from within. So how would you say this? स्माइल कितनी डेंजरस है पता तुझे, मेरे पास दिल होता ना तो पक्का तेरी स्माइल. जाने से पहले अपना नंबर मुझे दे देना, या जितनी ओए कर रही थी उनको मैं नंबर पास करा. चलो. ओके, वेरी गुड, वेरी वेल डन. वी स्टिल ट्राइंग टू फिगर द मार्क्स आउट, वी स्टिल ट्राइंग टू डू दैट. वंडरफुल. I think ये कमाल की कविता है जो always I'm also an अमिताभ बच्चन fan. और सोनी टेलीविजन पे केबीसी पे उन्होंने एक कविता पढ़ी है जो बहुत ही कमाल की रही है हर उस इंसान के लिए जो जिंदगी में कुछ बनना चाहता है, करना चाहता है. Never to give up is the whole theme उस कविता की. और सोहनलाल द्विवेदी जी ने, अक्सर लोग ये समझते हैं कि उनके पिताजी ने ये कविता लिखी है लेकिन ये सही नहीं है. सोहनलाल द्विवेदी एक बहुत बड़े कवि रहे हैं उत्तर प्रदेश के. तो उनकी ये लिखी हुई कविता है कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर सौ बार फिसलती है. मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना बहुत अघटता है. अंत में उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ वापस लौट कर आता है. मिलते नहीं है सहज ही मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. और अंत में जो सार है, असफलता एक चुनौती है उसे स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई सोचो उस पर विचार करो. जब तक न सफल हो नींद और चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान से मत भागो तुम. बिना कुछ किए इस दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की
कभी हारना नहीं है. सो आई थिंक इट्स वन ऑफ माय फेवरेट लाइंस दैट आई ऑलवेज कीप टेलिंग माय सेल्फ व्हेनेवर आई एम अ लिटिल डाउन एंड आई फील दैट थिंग्स आर नॉट गोइंग एज पर द वे आई शुड वांट देम टू गो. सो फाइनली वी हैव द मार्क्स एंड वी फिगर आउट हु द विनर्स आर टुडे. Can we have another mic, please? So thank you, everyone. Now it's time to have the final results to be there. And before that, some of our esteemed jury came a little when we had done the ceremony. So I really want to welcome, first of all, Manishji on stage. Manishji with her beautiful, beautiful soulmate. Please, आप अच्छा कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है. सो इट्स ओके, ओनली मनीष जी कैन जंप इफ यू आर ओके. सो यस, एंड प्रीति जी प्लीज कम ऑन स्टेज. वरुण जी कैन वी हैव म्यूजिक अ लिटिल म्यूजिक स्लो स्लो. सो थैंक यू मनीष जी, यू हैव बीन अ कॉन्स्टेंट सपोर्ट टू ऑल आवर अकेडमी faculties and students, and with all your esteemed pageants, it has always been a pleasure to work with you, and thank you for having us again and again with you, and thank you for you being here. So I know this industry is about working together, and if we are working together, all the designers who are doing great work, all the makeup artists, all the jewelry designers, all the pageant people, all the choreographers, so if the teamwork is there, we really grow very well. So I'm really thankful to all the partners who have. I remember Preeti, like you have been designing. I think the first event we did was with Vidya Balan, right? That was the first time we collabed together, Dirty Picture. Yeah. So that was the time, and since that time, Dirty Picture ko aaya kitne saal ho gaye na? 10 years. Matlab Vidya is Vidya badi ho gayi, humne bade ho gaye. So like that was the time we started working together, and then after that so many good work we did together. So great design. Yeah, Mahima, Nagma, so many of them together. So thank you, Preeti, for being in our life. And it's always been we don't meet so oftenly, but we are still together. So thank you for being here. Even I'm amazed to see this beautiful. I always am no one. Someone else is doing this whole thing, but I myself amazed to see this beautiful faces. So thank you for being here. Thank you, and thank you, Varunji, for being here. I know you were busy in the morning. You had another event too, but you're always there whenever it comes to. I know you are training the pageant queens into their diet and to the healthy living, and thank you for being here. And thank you for being here. Along with that, Rita ji, thank you. Because now it's time to announce the judges. Let me just welcome them and then we all be together. वरुण जी, ये जो लाल रंग का डिब्बा है इसके पीछे एक कहानी है, आप जानना चाहेंगे? इनको बताना चाहिए? बताना चाहिए? वो जो कपड़ा पहना हुआ है उसका बचा हुआ कपड़ा इसकी कमी. Hello everyone, this is Manish. If I talk about this brand, Ashim Munjal, this team,
Nina ma'am, and then you know, the whole family here. This brand is not a day, you know, a day of work. Ma'am has been into this, you know, work. She gave her all her life. She has been working into this field, and I must say that she has been doing a wonderful job. And this is basically excellence, and this is very beautiful creativity. I also came in our past events, and I've seen a lot of work being done by the makeup artists. And also we have been associating with a lot of events. So we have been doing pageants. My company name is Starbuck Productions. So we keep on calling good celebrities like Arbaaz Khan and a lot of other people. And she has always been the backbone, doing the makeup artists of our models, being associated with the brand. She's just the excellent person, I must say, in this industry. Thank you. And thank you, Manishji, for giving our students the opportunity to work with Bollywood. Because of the partners like you, like the winners of this pageant will be working with Arbaaz Khan, Aditi Govindrikar, it's all because of great partners like you. Thank you for giving us this work. Thank you very much. Thank you. Adi, are you here? Yes, so right now, I'll ask after the children. I'll ask Tina Papa. Stand in a line here in front of the stage in sequence facing the people in sequence from 1 to 14 please. 1 to 14 starting 1 from that side and 14 on this side. It's simple mathematics. Agar ek udhar hai to 14 yahan pe hoga. This one goes to any guesses? No? Very good. Thank you so much. आपका काम यही खत्म होता है. धन्यवाद. The third position in the bridal look goes to number 13, ख्वाब की ताबीर. Number 13, ख्वाब की ताबीर. Why is it that I'm here? Please come, sir. There we are. Congratulations.
the second prize, that means the first runner-up. This one goes to number... This one goes to number 14. Love is in the air. Love is in the air. Please come forward. Please, there we are. The winner in the bridal section in the face of competition 2021, and the winner is number. 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 Huh? Chaliye,